दोस्तों, रिसेंट ही जंको को स्पॉटिफाई में नजर आए थे और उसके फर्स्ट पार्ट को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने पूछा था आप लोगों से कि सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहते हो या नहीं। तो काफी सारी कमेंट आई थी मुझे कि मैं उसके सेकंड पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दूं। तो इस वीडियो को भी मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, इसे एंड तक जरूर ही देखें। बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्पॉटिफाई रिलैक्स रूम में जंगकुक ने काफी कुछ खाया पिया, अच्छे व्यूज देखे, काफी एंजॉय करा और उन्हें कस्टमाइज गिफ्ट्स भी मिले। तो जंगकुक ने गोल्डन रिलैक्स रूम के पूरे सर्विस को एक्सपीरियंस करा, पर फिर ये सायरन बजती है तो जंगकुक पूछते हैं क्या हुआ। तो प्रोडक्शन डायरेक्टर कहते हैं जंगकुक ये आपके बिल है, और जंगकुक की फेस देखने वाली थी। जंगकुक को एक अच्छी खासी बिल मिली थी 2600 गोल्ड कॉइन्स की। फूड की थी 1100 कॉइन्स, म्यूजिक 500 कॉइन्स, मेडिटेशन 700 कॉइन्स, कम्युनिकेशन 100 कॉइन्स, एंटरटेनमेंट 200 कॉइन्स और सब मिलाकर 2600 कॉइन्स। तो इस गोल्डन रिलैक्स रूम में जंगकुक को जितनी भी सर्विसेज मिली थी वो फ्री नहीं थी। और बिल लेने के बाद जंगकुक स्टाफ को देखते हैं तो स्टाफ कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है जंगकुक। तो जंगकुक कहते हैं इतने पैसे मुझे इसके लिए पे करना है, तो चलिए 2600 कॉइन्स ढूंढते हैं, चलिए एक एडवेंचर पे चलते हैं और कॉइन्स को ढूंढते हैं। और फिर जंगकुक इस गोल्डन एडवेंचर में आते हैं एक क्यूट से जीब्रा पे बैठकर, और वो बहुत प्यारे लग रहे थे। जंगकुक कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ उन कॉइन्स को ढूंढने ताकि मैं अपने बिल को पे कर पाऊँ। और फिर फर्स्ट एडवेंचर को दिखाई जाती है जो कि थी माउथ ऑफ ट्रूथ रूल्स, जिसमें जंगकुक को पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब देना था और तभी उन्हें गोल्ड कॉइन्स मिलेंगी। और 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन का जवाब सही देना था तभी वो जीतेंगे। तो जंगकुक अपने जीब्रा पे बैठकर उस जगह पे जाते हैं और यहाँ थी एक गोल्डन लाई डिटेक्टर। तो जंगकुक को अपने हाथ को यहाँ पे रख के सवालों के जवाब देने थे। और पहला सवाल था मैंने स्पॉटिफाई गोल्डन रूम में आज एक हीलिंग टाइम स्पेंड करा है। तो जंगकुक कहते हैं हाँ मैंने एक हीलिंग टाइम एक्सपीरियंस करा है, पर मैं इस साउंड से बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, इस साउंड से मेरी तो हार्ट रेट ही बढ़ गई है। तो जंगकुक ने ये जवाब बिल्कुल सही दिया था, उन्हें कोई भी करंट नहीं लगता है। और फिर उनके लिए नेक्स्ट सवाल आता है जब भी मुझे इस तरह के अचानक मिशन मिलते हैं मैं स्पॉटिफाई को डिसलाइक करना शुरू कर देता हूँ। तो जंगकुक कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो और भी ज्यादा फन भरा हो जाता है। वैसे मैं ज्यादा वैरायटी शो में नहीं जाता पर मुझे यहाँ बहुत मजा आता है। और ये जवाब भी जंगकुक ने बिल्कुल सच सच बोला था। तो उनके लिए अगला सवाल आता है, वो था सोलो एक्टिविटी के हर एक मोमेंट में मुझे रियलाइज होता है कि मेंबर्स मेरे लिए कितने ज्यादा प्रीशियस हैं। तो जंगकुक कहते हैं हाँ बिल्कुल, बिना मेंबर्स के लाइफ में एक खालीपन और सैडनेस है। और तभी जंगकुक को शॉक लगता है, इसका मतलब था जंगकुक झूठ बोल रहे हैं पर मुझे नहीं लगता। और जंगकुक बीटीएस मेंबर्स से सॉरी बोलते हैं और कहते हैं आई मिस यू। इसके साथ ही अगला सवाल था मैंने सोचा था स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू एक बहुत बड़ी हिट साबित होगी जब मैंने इसे पहली बार सुना था। तो जंगकुक कहते हैं ये ऐसा नहीं था, पर ये सॉन्ग मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर से जंगकुक को शॉक लगता है, मतलब वो झूठ बोल रहे थे। और फिर जंगकुक इस गेम को खत्म कर लेते हैं और उन्हें फर्स्ट गेम से कुछ कॉइन्स मिलते हैं क्योंकि उन्होंने 3 से ज्यादा सवालों के सही सही जवाब दिए थे। और जंगकुक कहते हैं वाव यहाँ तो बहुत सारे कॉइन्स है। जंगकुक सारे कॉइन्स को एक बक्से में डाल देते हैं और यहाँ उन्हें 1950 कॉइन्स मिले थे। और फिर जंगकुक कहते हैं चलिए सेकंड एडवेंचर की ओर चलते हैं। इसके साथ ही जंगकुक उस क्यूट से जीब्रा को देखकर कहते हैं क्या तुम जियो नेट बनना चाहोगे, मतलब वो मैम के लिए एक और सिबलिंग ढूंढ रहे हैं शायद, और वो उस जीब्रा को प्यार भी करते हैं। तो अगला मिशन था गोल्ड आइस स्टोन, इसमें जंगकुक को गोल्डन कॉइन्स ढूंढने हैं आइस स्टोन के अंदर। कुछ स्टोन्स में गोल्डन कॉइन्स नहीं है पर उसमें हिडन मिशन और क्वेश्चंस हैं। तो जंगकुक कहते हैं अगर इसमें कॉइन्स है तो मैं इसे जरूर निकालूंगा। और फिर जंगकुक रेडी होते हैं और पूछते हैं क्या मैं इस आइस स्टोन को जोर से मार सकता हूँ, और फिर वो एक आइस स्टोन को हिट करते हैं पर वो फिसल कर नीचे गिर जाती है। जंगकुक फिर से ट्राई करते हैं पर वो नहीं टूटती। तो फिर जंगकुक इसे नीचे रखते हैं, अपने ग्लव्स को खोलते हैं और एक बार में ही इस आइस स्टोन को तोड़ देते हैं और उन्हें कॉइन मिल जाती है। इसके साथ ही अगले आइस स्टोन में उन्हें क्वेश्चन मिलता है जिसमें लिखा था रिसेंटली आपने स्पॉटिफाई पे कौन सा सॉन्ग सुना था। तो जंगकुक कहते हैं डिटो। फिर वो अगले आइस स्टोन को तोड़ते हैं, इसमें भी क्वेश्चन थी
जिसमें लिखा था अपने फेवरेट BTS सॉन्ग की एक लाइन को गाएं। तो जंगकुक मैजिक शॉप की इस लाइन को गाते हैं। So show me, I'll show you. तो जंगकुक कहते हैं हम इसे कॉन्सर्ट्स के एंड में बहुत ही ज्यादा गाया करते थे। तो शो की PD उनसे कहती है उन मोमेंट्स को सोचते हुए प्लीज आर्मीज के लिए कुछ कहिए। तो जंगकुक उस लाइन को गाते हैं और कहते हैं मैं अपने बिल को पे करने में बहुत बिजी हूँ, एक बार मैं इसे पे कर दूँ फिर ऐसे 100 चीजें बोलूंगा। तो वहाँ मौजूद सभी हंसने लगते हैं और फिर वो एक और आइस स्टोन को तोड़ते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें लिखा था एक यूनिक सिग्नेचर पोज जो आप अपने प्रमोशन के दौरान यूज करते हो। तो जंगकुक ये वाली पोज देते हैं और कहते हैं जब भी हम मिलते हैं हम ऐसे ही हेलो करते हैं। और फिर वो अगले आइस स्टोन को तोड़ते हैं जिसमें उन्हें एक गोल्ड कॉइन मिल जाती है और जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस कॉइन को देखते हैं और इस राउंड को भी जीत लेते हैं। और अब वो आर्मीज के कुछ सवालों के जवाब देते हैं। तो पहला सवाल था उन्हें 3 हार्ट्स बनाने थे आर्मीज के लिए। तो ये था पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अगला सवाल था हम आर्मीज आई लव यू के फेमस वर्जन को सुनना चाहती हैं। तो जंगकुक ये कहते हैं। अगला सवाल था कैमरा को देखें और 3 बार विंक करें। और फिर जंगकुक ऐसा ही करते हैं और बोनस के तौर पे और भी ज्यादा विंक करते हैं, वो भी अपने दोनों आंखों से। और यहीं पे जंगकुक की सेकंड एडवेंचर खत्म हो जाती है और थर्ड एडवेंचर शुरू होती है रिमूव द गोल्डन बॉल्स। इसमें फ्लाइंग गोल्डन बॉल्स को ग्लव्स के थ्रू हिट करना था। 2 मिनट के अंदर वो जितने भी गोल्डन बॉल्स को हिट करेंगे उन्हें उतनी ज्यादा गोल्डन कॉइन्स मिलेगी। और फिर जंगकुक ग्लव्स पहनकर रेडी होते हैं। इसके साथ ही जंगकुक कहते हैं स्पॉटिफाई के पास हमेशा ही ग्लव्स मौजूद रहती है। और फिर जंगकुक रेडी थे और बॉल्स आनी शुरू होती है और हमारे जंगकुक बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। वैसे तो हम सभी जानते हैं जंगकुक को इस तरह के गेम्स खेलना कितनी ज्यादा पसंद है और बॉक्सिंग की बात आती है तो वो कमाल कर देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने काफी सारे बॉल्स को हिट करा, वो थोड़े थक भी गए थे पर फिर भी उनमें स्टेमिना की कोई कमी नहीं थी। पर फिर अचानक बॉल्स आनी बंद हो जाती है और फिर उन्होंने एक ही बार में सारे बॉल्स फेंकने शुरू कर दिए। बेचारे जंगकुक को चोट भी लग गई और फिर 2 मिनट की टाइम ओवर हो जाती है। इसके साथ ही जंगकुक ने 45 गोल्डन बॉल्स को हिट करा था तो उन्हें 450 कॉइन्स मिले, मतलब एक बॉल हिट करने का 10 कॉइन। और फिर वो कॉइन्स को लेते हैं और उसी बक्से में डाल देते हैं और यहीं पे उनका थर्ड एडवेंचर खत्म हो जाता है। और फिर जंगकुक अपने फाइनल मिशन की ओर बढ़ते हैं अपने क्यूट से ज़ेब्रा पे बैठकर। इस मिशन का नाम था एस्केप एडवेंचर आइसलैंड। इसमें जंगकुक को करना ये था कि उन्हें दिए हुए 6 टारगेट को गोल्डन गन से हिट करना था, फिर एक्यूप्रेशर रोड पर जंप करना था, फिर ट्रायंगल रोप को बिना छुए क्रॉस करना था, लास्ट में गोल्डन बेल को बजाकर इस गेम को फिनिश करना था और टाइम लिमिट थी ओनली 3 मिनट्स। और फिर जंगकुक गेम को पूरे अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कहां कहां जाना है और फिर वो टारगेट्स को हिट करना शुरू करते हैं पर नहीं कर पाते। फिर काफी कोशिश के बाद वो एक टारगेट को हिट कर लेते हैं, फिर दूसरे को भी हिट कर देते हैं और तभी टाइम खत्म हो जाती है। तो जंगकुक सारे बुलेट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर से शुरू करते हैं और इस बार 6 टारगेट की जगह 3 टारगेट ही दिए जाते हैं। और फिर वो एक टारगेट को हिट करते हैं, फिर दूसरे को भी हिट करते हैं और थोड़ी कोशिश के बाद वो फाइनली 3rd टारगेट को भी हिट कर देते हैं। फिर वो अपने शूज को उतारते हैं और एक्यूप्रेशर रोड पे जाते हैं और वहाँ स्किपिंग करते हैं और इसे भी कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद तो जंगकुक ने जो करा वो अनबिलीवेबल था, मतलब उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्हें रोप को टच किए बिना पास करना था तो वो रोप के ऊपर से ही पास हो जाते हैं, मतलब उन्होंने इस तरह से रोप को क्रॉस करा था वो क्या ही बताऊं। जंगकुक सच में एक्सट्रीमली परफेक्ट है हर चीज में। और लास्ट में बेल को बजाकर उन्होंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। बाकी लोगों ने इसे कुछ इस तरह से क्रॉस करा था पर जंगकुक तो कमाल ही कर दिए। फिर वो अपने शूज को पहनते हैं और खुशी से जाकर गोल्डन कॉइन्स को लेते हैं और उसे बक्से में डाल देते हैं। फाइनली जंगकुक के पास बिल पे करने के पूरे पैसे हो चुके थे और वो अपने बिल्स को पे कर अब फ्री हो जाते हैं। इसके बाद जंगकुक अपने एल्बम के बारे में बताते हैं और कहते हैं गोल्डन एक ऐसी एल्बम है जो मेरे गोल्डन मोमेंट्स को दिखाती है। इसमें 11 ट्रैक्स हैं और इसमें मेरे प्री रिलीज्ड सॉन्ग भी मौजूद है 7 और 3D। तो ये एक फुल एल्बम है, ये सॉन्ग सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो आर्मीज प्लीज इसे देखिएगा। इसके बाद स्टाफ जंगकुक से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जंगकुक क्या आप स्पॉटिफाई से एक हीलिंग टाइम स्पेंड करके जा रहे हो
तो जंगकू कहते हैं हाँ, मुझे यहाँ अंदरूनी शांति मिली, मैंने वर्कआउट करा, इवन मैंने यहाँ फॉरवर्ड रोल भी करा, तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और फिर जंगकू के लिए कुछ आता है तो जंगकू को लगा कि क्या फिर से कोई मिशन आ गई, पर ये स्पॉटिफाई की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट थी जंगकू के लिए। और फिर जंगकू इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और ये एक विस्की थी। जंगकू इसके लिए थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं मैंने स्पॉटिफाई में बहुत ज्यादा एंजॉय करा। और फिर वो नेक्स्ट प्रेजेंट को खोलते हैं और कहते हैं ये इतनी हैवी क्यों है, और इसमें थी दो ग्लासेस और एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लास बोतल। जंगकू को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वो कहते हैं मैं अपनी विस्की को इसी में रखूंगा। वो इसके लिए सभी को थैंक्स बोलते हैं। जंगकू कहते हैं ये बहुत अच्छा है, मैं सच में बहुत खुश हूँ। और वो कहते हैं आज स्पॉटिफाई में मैंने एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करा गोल्डन रिलैक्स रूम में, मैं इन सर्विसेज से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो 5 स्टार में से मैं इन्हें दूंगा पूरी 5 स्टार। इसके साथ ही वो सभी को बाय कहते हैं और कहते हैं फिर मुझे जब हीलिंग की जरूरत होगी तो मैं स्पॉटिफाई में फिर से आऊंगा। और आर्मीज आपको भी जब हीलिंग की जरूरत होगी आप भी यूट्यूब पे K-pop ऑन स्पॉटिफाई पे जाना, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जंगकू के स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू को सुनना। ये मेरा पहला सोलो एल्बम है। और फिर वो अपने क्यूट से ज़ेब्रा पे बैठकर जाने लगते हैं और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों स्पॉटिफाई के इस पूरे वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।